राइस वाटर मैंने कई लोगों को लगाते हुए देखा है, मैंने रील्स में देखा है, वीडियो पे देखा है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिजल्ट हमें राइस वाटर से मिलेगा। तो इसे मैंने भी ट्राई किया। मैं कोई भी रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ उससे पहले मैं खुद अप्लाई करती हूँ, चेक करती हूँ, देखती हूँ कि क्या यह सही है कि नहीं, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे और हैप्पी हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि राइस वाटर को बनाना कैसे है, इसे कितने दिन तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, और राइस वाटर के साथ मैंने ऐसा क्या लगाया था जिससे ना मेरी स्किन में इतना ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो मैंने एक राइस फेस पैक बनाया था और एक नाइट क्रीम, वो भी राइस की ही। तो आज मैं आपके साथ इन तीनों चीज़ों को शेयर करूँगी जो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यह ना हमारी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसे पूरी तरह से ना ख़त्म करेगा। तो अब हम बनाएंगे एक अच्छा सा राइस टोनर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है चावल, कोई भी चावल हो, बस चावल होना चाहिए। इसमें ऐड किया है पानी, इसे आपको दो बार अच्छे से धोना है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया था एक छोटा सा कप उसमें पानी, इसे रात भर के लिए मैंने भिगो के रख दिया। सुबह इसे मैं छान लूँगी। छानने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था 1 से 2 टेबल स्पून रोज वाटर। आप चाहो तो रोज वाटर को ना स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि रोज वाटर ना हमारी स्किन के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे चेहरे को ना डीप क्लीन करता है। इसे आप ना फ्रिज में स्टोर करके 1 या 2 दिन के लिए रख सकते हो। इसे स्प्रे बॉटल पर ट्रांसफर कर लो, पूरे चेहरे पे इसे अच्छे से आप अप्लाई करो। इसे ना सुबह शाम अच्छे से लगाना है। इसे आप चाहो तो दोपहर में भी लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसे पूरे चेहरे पे अच्छे से स्प्रे करो, इससे आपकी जो स्किन है इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। इससे ना डार्क स्पॉट हो गया, रिंकल हो गया, झाइयाँ हो गई या फाइन लाइन हो गए पूरी तरह से ना धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, और आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग दिखाई देगी, वो भी बिना मेकअप के। फिर मैंने यहाँ पे बनाया था एक अच्छा सा DIY राइस फेस पैक। इसे आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे डेली कंटिन्यू लगाया तभी मुझे इतनी अच्छी स्किन मिली। तो मैंने यहाँ पे लिया था 1 टेबल स्पून राइस पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया था हनी, एंड 1 से 2 टेबल स्पून कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क, एंड फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया था 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हो राइस वाटर। इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना इसे पूरे चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करना है। यह कोरियन फेस पैक है, इससे हमारी जो स्किन है वो कोरियन के जैसे ग्लास सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। इससे ना डार्क स्पॉट, रिंकल्स और जो आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, ये धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन में कहीं कहीं पे दाग है, कहीं कहीं पे नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसे ना आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगा के रखना, उसके बाद वॉश कर लेना। इसे अगर आप डेली वेस पे यूज करोगे ना तो यह हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलो अब हम बनाते हैं एक अच्छी सी नाइट क्रीम, वो भी राइस वाटर से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, आप मार्केट वाला ले सकते हो पतंजलि का। फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया था 1/2 टेबल स्पून ग्रीस रिंग, 1 से 2 टेबल स्पून राइस वाटर, एंड 1 से 2 टेबल स्पून रोज वाटर। रोज वाटर को ना आपको स्किप नहीं करना है, इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना इसे आप चाहो तो फ्रिज में स्टोर करके 1 या 2 वीक के लिए रख सकते हो, एक छोटी सी डब्बी या कंटेनर में। इसे आपको डेली अप्लाई करना है। जब आप रात में सोने जाते हो तो पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करो, उसके बाद आप राइस वाटर अप्लाई करो। राइस वाटर अप्लाई करने के 10 या 20 मिनट बाद इस क्रीम को लगाओ। इस क्रीम को लगाने के बाद हल्का हल्का हाथों से मसाज करो, कम से कम 2 से 3 मिनट, उसके बाद आप सो जाओ। अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, बहुत सारा कमेंट करना। जितने भी कमेंट करोगे ना मैं सभी के आंसर दूंगी। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।